नमस्कार गाइस, हर हर महादेव। आप सबका, आप सभी मित्रों का इस चैनल में मेरे स्वागत है। आखिर हम लोग बालटाल पहुंच गए हैं। आप लोगों के लिए सस्पेंस था क्योंकि हम लोग जब से जमशेदपुर से चले हैं, हमारे सारे मित्र, देख लीजिए ये जितने मित्र हैं, हर हर महादेव, ये जितने मित्र हैं, देखिए एक साहब यहाँ फरमा रहे हैं आराम। अब क्या है कि हम लोग एकदम सस्पेंस रखे थे। हम लोग बोले थे कि आप ब्लॉग बनाते हो तो आप किसी को बताना नहीं, ठीक है। तो हम लोग जमशेदपुर से चले। आपका, आपसे मकसद हम लोग इसलिए जोड़े हैं कि भाई ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बाबा परफानी का वीडियो है। और हम लोग जैसे जैसे चढ़ाई चढ़ेंगे, कल हम लोग सर हम लोग कल चढ़ाई चढ़ेंगे, तो अपडेट करते रहेंगे आप लोगों को। इधर भी घुमाते रहिए। और ऐसा है कि हमारे मित्र कह रहे हैं कि इधर भी घुमाते रहिए, हम तो घुमा ही रहे हैं भाई, आप लोगों को छोड़ के कैसे रास्ते हैं। एक मित्र हमारे देखिए, देखिए बाहर से अंदर की ओर आते हुए, शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, बहुत आ गए हैं, सीरियस मीटिंग में थे वो। अब क्या है कि देखिए, बाबा बर्फानी जाने के लिए क्या क्या तरीका है वो आपको हम लोग बता देते हैं। सबसे पहला और फॉरमोस्ट बात कि बाबा बर्फानी जाने के लिए दो रास्ता है, एक श्रीनगर में पहलगाम होके, चंदनवाड़ी होके, छड़ी मुबारक लेके अमरनाथ का गुफा जाते हैं, उसमें शेषनाग झील आता है, पंचतरणी वगैरह आता है, बहुत सुंदर और रमणीय जगह है। दूसरा रूट है श्रीनगर पूरा पार करके बालटाल, यानी कारगिल वाला जो सोनमर्ग वाला रास्ता है, उससे आप बालटाल के बेस कैंप में आइए, अपना RFID कार्ड वहां बनवा लीजिए और यात्रा प्रारंभ कीजिए। अब रही बात की भाई आना कैसे है, तो आप किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में रहते हैं, सबसे पहले आपको जम्मू आना है। जम्मू या तो आप ट्रेन से आ सकते हैं या प्लेन से आ सकते हैं। प्लेन से आएंगे तो बेस कैंप वहां पे हवाई अड्डे के पास है, ट्रेन से आएंगे तो बेस कैंप आपका स्टेशन के बाहर में आपको मिल जाएगा। आप वहां पे आपको अपना ये जो कार्ड है, ये जो कार्ड देख रहे हैं, आपने यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन कराया था घर में बैठे बैठे या साइबर कैफे में, उसका पर्ची दिखाकर ये कार्ड आपको वहां से मिलेगा। ये RFID कार्ड होता है, ठीक है, ये लिए उसके बाद जम्मू से आप, हाँ बोलिए सर, फिर जम्मू से आप चढ़ाई, मतलब बस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, ट्रेन तो नहीं, बस के द्वारा जाते हैं, कुछ लोग अपने निजी गाड़ियां भी लेते हैं। और आपको सबसे पहले वो कौन सा जगह है, भगवती नगर जाना है, वहां भी एक बेस कैंप है, वहां चक्कर आपको बस के लिए रजिस्ट्रेशन करना है और वहीं लंगर में खाना खाना है। वहां से लोग जो आप बस का रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी हिसाब से वो लोग बस छोड़ेंगे। अब इतना याद रखिए कि 3 बजे भोर में ही बस छोड़ेंगे, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई बाहर जाने देगा नहीं। आपका सारा जो है ना बैग वैग सब वहां चेक हो जाएगा, आपके सारे जो सामान रखने की व्यवस्था, सब सामान, हाँ क्लोक रूम है वहां पे, क्लोक रूम वो होता है जहाँ पे सामान हम लोग रखते हैं। तो फिलहाल तो हम लोग जम्मू से आए, 400 किलोमीटर का फासला तय करके बालटाल, अब हम लोग बेस कैंप है भाई, अब हम लोग बालटाल के बेस कैंप में हैं। हम लोग बाहर चलेंगे थोड़ी देर बाद तो दिखाएंगे कि बेस कैंप कैसा है और यहाँ का नज़ारा कैसा है। तो तब कितना लेना है, जिम से बहुत गर्मी यहाँ पे, धूप थी, नहीं ठंडा है, वही तो धूप था कल से, चेंज कल शाम से, पहाड़ों का कोई भरोसा नहीं है भैया, यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है, बरसाती जैकेट सब ले लेते।